नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। पाकिस्तानी सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी में जासूसी का एंगल आ गया है। सीमा को सोमवार को एटीएस ने ग्रेटर नोएडा स्थित उसके घर से हिरासत में लिया है। एटीएस सीमा के साथ ही उसके चारों बच्चों और सचिन को भी अपने साथ ले गई। एटीएस ने सीमा से नोएडा के सेक्टर 94 स्थित कमांड कंट्रोल रूम में करीब 8 घंटे तक पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो को इनपुट मिला है कि सीमा हैदर के चाचा पाकिस्तानी सेना में सूबेदार हैं। उसका भाई भी पाकिस्तानी आर्मी में है, जबकि इससे पहले सीमा ने अपने भाई को लेकर कहा था कि वह सेना में नहीं है बल्कि सेना में भर्ती की तैयारी कर रहा है। एटीएस इस इनपुट की जांच कर रही है कि यह कितना सच है। आईबी से इनपुट मिलने के बाद एटीएस एक्शन में आ गई है। सीमा हैदर के पासपोर्ट को भी जांच के लिए भेजा गया है, साथ ही उसकी मोबाइल डिटेल्स को भी दोबारा जाँच की जा रही है। उधर नोएडा पुलिस ने सीमा के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है। सचिन के परिवार को किसी से मिले नहीं दिया जा रहा है। सचिन के घर वालों ने दरवाजे बंद कर लिए हैं। सीमा हैदर का मामला जब सामने आया था तो उसके पाकिस्तानी एजेंसी ISI से कनेक्शन की चर्चा हुई थी, हालांकि बाद में जांच एजेंसियों को इससे जुड़े कोई ठोस सबूत नहीं मिले, इसलिए मामला लव एंगल की तरफ मुड़ गया था। लेकिन अब आईबी के इनपुट के बाद फिर से जासूसी एंगल पर एजेंसियों ने जाँच शुरू कर दी है।